इसी के साथ हम आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़। आज हम बनाने जा रहे हैं नेशनल देगी दानेदार हलीम, जो कि इस तरह डब्बे में मिलता है और ये बना बनाया मिलता है। और इसमें से एक पैकेट हमने निकाला था, उसमें ये दालें और इसमें गंदम ये सब कुछ मिक्स था। तो इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया है। अब इसे मैं प्रेशर लगाऊंगी और इसे 25 मिनट तक कुक करूंगी। तो मिलते हैं फिर 25 मिनट के बाद। देखिए जी, दालें हमारी गल चुकी हैं, इनको मैंने निकाल लिया है और इसे मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी। दालें जो है हमारी थोड़ी सी ठंडी होंगी तो फिर मैं इसे जूसर में डाल के थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी। दालों को मैंने जूसर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब यहाँ पे हमने लिए कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। इसमें डालेंगे हम प्याज, प्याजों को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पे जी, जब मैंने दालों को बॉईल करने के लिए रखा था तो मैंने चिकन को भी साथ बॉईल होने के लिए रख दिया था। हड्डी वाला चिकन था तो मैंने इसको बॉईल कर लिया और इसकी हड्डियों को अलग कर लिया है। प्याज देखें हमारी ब्राउन हो चुकी है, इसमें से हम आधी प्याज निकाल लेंगे। इसमें डालेंगे अब हम थोड़ा सा पानी। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन की बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। इसको भी हम 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे। चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसमें हमने टमाटर या कोई और मसाला नहीं डालना, इसके साथ ही इसका मसाला मिलता है जो डब्बे वाला हलीम होता है, तो ये मसाला हम इसमें डालेंगे। इसे भी हम मिक्स करेंगे इसके साथ। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें जी, मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें दालें डालेंगे। दालों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें जी, हलीम को पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। जो दालों का और चिकन का पानी बचा था वो हमने वेस्ट नहीं किया, वही पानी हमने इसमें डाला। और इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे।
इसे अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पे 25 से 30 मिनट तक पकाएंगे। हलीम में मैं वक्फे वक्फे से चम्मच चला रही हूँ ताकि हलीम जो है हमारा नीचे ना लग जाए। देखें जी, हलीम को पकते हुए 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। अब ये अच्छे से पक चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। देखें जी, हलीम को मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पे हमारे पास है तली प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लेमन है, इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। अदरक लगाएंगे आप। ये लेमन के स्लाइस हैं। देखें जी, हलीमा हमारा बन चुका है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।